हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ठाकुर जी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। तो जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से। और इधर सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी है अपनी बैल्कनी को क्लीन करने से, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा जो भी ठंडा, मतलब बोल सकते हो हवा चल रही है, इतने में मैं अपना ये जो है बालकनी साफ़ करना करने का काम जो है मैं ख़त्म कर लूं, क्योंकि गर्मी इतनी मतलब भयंकर है कि यहाँ आप देख सकते हैं कभी सूरज आ रहा है कभी जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा। और अभी ना ये मेरे कुछ पौधे ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल डैमेज हो गए हैं 2-3, तो अभी मैं नए पौधे लगवाऊंगी। कुछ ख़राब हो गए, पता नहीं क्या कीड़ा लग गया है क्या, तो 2-3 गमले बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, 2-3 नहीं ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो अभी इनकी भी देख रेख करनी है। थोड़ा भी मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा काफ़ी दिन से कि मैं थोड़ी सी इनकी, कहते हैं ना कि अगर पौधे हों चाहे इंसान हो किसी की भी दे, अगर उसको ढंग से प्रॉपर लाड़ प्यार नहीं मिलेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो वही कुछ हाल मेरे पौधों के साथ हो गया। इनकी मैंने ना केयर नहीं करी, सिर्फ पानी पानी दे रही थी और कुछ ध्यान नहीं दिया इसके अंदर कि कुछ किसी चीज़ की कमी की वजह से शायद पौधे 4-5 पौधे ख़राब हो गए। तो बड़ा दुख लगता है मेरे को अगर इतने मन से पौधे लगवाती हूँ, और मोस्टली क्या होता है ना कि मतलब सूख जाते हैं या कुछ अजीब से हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ख़राब ही हो जाते हैं। तो मेरे कई सारे पौधे ख़राब हो गए और बहुत दुख लगता है भाई। बड़ा एक तो इतने मन से लगाओ और पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे अभी टाइम मिलेगा तो मैं इन सब पौधों को, पौधे वाले भैया को बुलाऊँगी और फिर नए पौधे कुछ लगवाऊँगी। तो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले ये काम ख़त्म कर रही हूँ बालकनी साफ़ करने का, क्योंकि देखो गर्मी इतनी हो रही है कि बिल्कुल भी ना मन क्या हिम्मत ही नहीं हो रही कि कुछ काम करो, मगर काम करे बिना गुजारा नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। और गर्मी में वो बहुत कहते हैं ना कि घबराहट सी और एक वो वाली गर्मी हो रही है, उमस वाली। तो इधर यहाँ ना मेरे कपड़े धुल गए थे, तो इस मेनली इस छज्जे को साफ़ करने का रीज़न यही होता है कि धूप इधर सही आ रही है, और धूप जब सही आती है ना तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये फ़ायदा होता है इधर इस वाले बालकनी का। तो अभी मैं साथ के साथ ना थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग भी करती चल रही हूँ। तो अभी आई हूँ मैं किचन में, तो किचन में मैं अभी बैंगन आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है, क्योंकि मॉर्निंग से ही नाश्ता वगैरह जो है आजकल, जैसे छुट्टी से ही चल रही है, अभी कार्तिक का ही स्कूल शुरू हुआ है, वो उसके एग्ज़ाम हैं खुलते ही, तो वो एग्ज़ाम देने गया है। तो अभी मैं खाने में मैंने बनाया था आज बैंगन आलू की सब्ज़ी और आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। तो सबसे पहले मैं अपना वही रोज़ाना का किचन का क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन जो ये धुले थे ना, तो मैं सोच रही थी इनका पानी सूख गया है तो इनको भी साथ के साथ लगा देना चाहिए, क्योंकि बर्तन लगे रहेंगे ना तो तभी उसके बाद ही जाके मेरा जो किचन है पूरा क्लीन होगा। वरना क्या होता है कि अगर बर्तन फैले हुए हैं या शेल्फ़ पे कुछ भी फैला हुआ है ना, तो बिल्कुल भी किचन साफ़ नहीं हो सकती। तो अभी ये मैं सारे बर्तन जो है मैं इनको पोछ पोछ के लगा रही हूँ, और पोछ के लगाने का ये फ़ायदा है थोड़ा बहुत भी अगर पानी या कुछ बर्तनों में लगा रह जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, साफ़ हो जाता है पोछने से। और किचन भी देखो सूखा और एकदम चमचमाता हुआ सा दिखने लग जाता है। और इस गर्मी में तो देखो काम ख़त्म करने की सारी औरतों को रहती है कि जितनी जल्दी काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या कहते हैं कि खाना वगैरह भी ना अब सुबह जल्दी, जैसे सब्जी आटा हो गया है ना, तो दोपहर में सिर्फ रोटी बनाने का काम रह जाएगा। और किचन की सफाई मैं मॉर्निंग में एक बार सबसे पहले कर ही देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को भी घर के और भी सारे काम करने हैं। तो इधर जो सामने का काउंटर टॉप है या गैस के ऊपर का सारा पोर्शन है, इसको भी हल्का सा साबुन लगा के साफ़ कर देती हूँ। तो देख ही सकते हो कि अगर थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी छुकती है या ब्रेड सिकते हैं तो चिकनाई हल्की बहुत स्प्रेड होती है। तो अभी चिमनी को भी ना मैं बिल्कुल बाहर बाहर से ही साफ़ कर रही हूँ, अंदर से भी साफ़ करनी है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अंदर से साफ़ नहीं हुआ है। बहुत सारे काम अब अपने पूरे वो जो कहते हैं ना कि पूरे चरम सीमा पे आ गए हैं कि दोबारा से मुझे ढंग से क्लीन करो, तो वही ऐसा कुछ होता है कि जब हर एक चीज़ का ना एक टाइम पीरियड होता है, और हम उस टाइम पीरियड से पहले काम कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, और जब टाइम ऊपर हो जाता है तो उसी काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है, चिमनी को क्लीन करने के लिए भी टाइम ज़्यादा हो गया है, कम से कम 1 महीना तो हो गया। और ये चिमनी ऊपर से तो रोज़ाना साफ़ हो जाती है, बट जो कहते हैं ना निकाल के इसकी जाली को साफ़ करना होता है, वो मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है, बट वो करूँगी मैं, आप लोगों के साथ वीडियो उसकी भी शेयर करूँगी।
तो इधर आप देख सकते हैं सारा मैंने जो किचन है, ये तेल के डिब्बे वगैरह भी ना रोजाना ना करो, एक दिन छोड़ के कर दो, क्योंकि चिकनाई हो गई या हाथ हमारे लगते हैं तो थोड़े थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो मॉर्निंग का एक नियम ये भी है कि रसोई में जो भी हम सामान को हाथ लगा रहे हैं या कोई भी सामान यूज़ कर रहे हैं तो उन सबको हम साथ के साथ पोंछ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी इधर मैंने खिड़की भी साफ़ कर ली है, तो अभी बारी आती है जो बर्तन हो रहे हैं ढेर, तो चलिए फटाफट से अभी इन बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो जी इधर बर्तन साफ़ हुए हैं और बर्तन बहुत जल्दी साफ़ कर दिए थे, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं थे, सिर्फ बनाने बनाने के थे। और इस सिंक को रोज़ाना की तरह एक बार फिर से इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं, क्योंकि मेरा मानना तो ये है जी, अगर आप जितनी बार भी बर्तन धोते हो या कुछ भी किचन में मेनली सिंक को गीला करते हो तो सिंक ज़रूर सुखा के रखिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर सिंक सूखी हुई नहीं होगी तो हमारे किचन में एक कहते हैं ना, मतलब सीलन सीलन सी स्मेल रहेगी। तो हमेशा कोशिश यही करिए कि किचन को बिल्कुल सुखा के रखिए, चाहे सिंक हो, सिंक का है प्लेटफॉर्म है, या सिंक के आसपास का, सिंक के पास जब हम बर्तन साफ़ करते हैं वो नीचे का जो पोर्शन होता है वो। तो अभी ये किचन का जो मेरा काम है वो ख़त्म हुआ है, किचन का काम पूरा ख़त्म हो गया। गर्मी का टाइम है तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो अभी बारी आती है मेरी हॉल की बेडशीट जो है, इसको जल्दी से मैं बिछा लेती हूँ। और इसको बिछाना बहुत आसान है, क्योंकि दोनों तरफ से इस बेड को इधर से खिसका लो उधर से खिसका लो और गद्दे के नीचे दबा दो तो बहुत जल्दी से बेडशीट बिछ जाती है। तो इधर बेडशीट बिछ गई है, तो अभी बेडशीट बिछने के बाद मेरे को अभी और भी रूम रह रहे हैं, क्योंकि काम तो देखो पूरे ही हैं। अगर एक जगह से वही रहता है कि एक एक चीज़ को कोने कोने को हम करते चलें तो काम धीरे 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 ख़त्म होने लगता है। तो इधर जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, कुछ आदत ऐसी है कि मतलब दीवारों पर भी हल्की हल्की सी झाड़ू मार लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत जैसे जाले हो गए, धूल मिट्टी हो गई, वो जमने लग जाती है। अच्छा, इधर मैंने सीढ़ियाँ और मम्मी जी का रूम जो है मैंने क्लीन कर दिया था, और ये सारे रूम साफ़ हैं, तो बस अब झाड़ू लगाने का काम रह गया है, झाड़ू लगा के पोछा लगाना है। तो आज ना थोड़ा सा काम मैंने डुगू से करवाया है, तो डुगू डस्टिंग कर रहा है, टेबल को क्लीन करना हो गया, पैनल को क्लीन करना हो गया। अच्छा, हम लोगों को ना अपने बच्चों से थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बच्चे, जैसे छुट्टी चल रही थी और आज आखिरी दिन ही ये काम करवा रहा है, और बिल्कुल भी इसने प्रॉपर काम नहीं करवाया एक भी दिन। आज मेरे को गुस्सा आ रही थी तभी इसने काम करवाया है। तो ये देखो यहाँ पे इसने कुछ करा कि मैं पोछा लगा दूँगा, और बच्चे ना बिल्कुल कहना नहीं मानते। और यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये आया है स्कूल से एग्ज़ाम देके, तो इसकी तो मैगी बन रही है, और खाने के लिए मैंने इसको आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, तो बट इसने नहीं खानी तो नहीं खानी। अच्छा, ये होता है ना कि कितनी बार हम जैसे मन से कोई चीज़ बनाएं तो बच्चों को अपनी चलानी है, तो जब बच्चों को आ जाता है ना बनाना, और मैगी में तो वैसे भी कुछ नहीं है बनाने में, तो इसकी तो अपनी फरमाइश चलती है। तो ये मैगी बना रहा था और मैं इसको बोल रही थी कि मैंने किचन पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है, काउंटर टॉप वगैरह, और तू अब गैस वगैरह ना कुछ गंदी मत करियो। अच्छा, होता है ना जब हम अच्छे से कोई चीज़ साफ़ करते हैं, चाहे रूम है, चाहे अलमीरा है या किचन है, और कोई आके फैला देता है तो भाई बड़ी गुस्सा आती है, बड़ी खुंदक आती है। और इसको मैं यही बोल रही थी, तो साफ़ सुथरी रसोई में इतना गंदा कर देगा, मैगी बनाएगा और उसमें जीरे का तड़का लगाता है ना, तो फिर वही है, गैस गंदी होती है। और भाई जो मेहनत करता है ना उसको पता होता है कि मैंने कितनी मेहनत से काम करा है। तो फिलहाल अभी पूरे हॉल में ही झाड़ू लगा लेते हैं, तो ये तो मानेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसको जब अपने मन की करनी होती है ना, ये वो करके ही रहता है। तो झाड़ू लगाने के बाद हमारी बारी आएगी पोछा लगाने की, तो फटाफट से अब पूरे हॉल में झाड़ू लग गई है। और सारी चीज़ें देखो, अगर एक एक चीज़ रूम हो गया या कोई भी चीज़ होगी, अगर ढंग से हम अरेंज करके रखते हैं, अच्छे से रखते हैं ना, तो फिर हमारे काम और ज़्यादा आसान हो जाते हैं।
तुझे अभी आज डुगू से ही थोड़ा थोड़ा काम करवाया है, तो मैं यहाँ पे पोछा लगाती चल रही हूँ। और इसको मैंने बोला था तू वाइपर से ना, जैसे थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, और क्या होता है ना मोस्टली टाइम जैसे बाल बहुत ज़्यादा मेरे झड़ रहे हैं, तो ये जो वाइट पत्थर होता है या कोई भी संगमरमर ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, तो बाल ना बहुत ज़्यादा फैले हुए दिखते हैं जगह 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 जगह, तो वाइपर से ही खींचने से वो बाल आते हैं। अदरवाइज़ पोछे से भी आप जितना मर्जी कर लो तो बहुत बार पोछे से भी बाल रह जाते हैं। तो बस वही चीज़ है कि बच्चों से अगर थोड़ा बहुत काम करवाया जाए तो काम भी, एक तो बच्चे काम सीख जाते हैं, सबसे मेनली बात ये है पढ़ती हूँ, तो ये रहेगा कि हाँ बच्चों को आता है, बच्चे अपने आप कर लेंगे। और इसने बहुत अच्छा वाइपर मारा था, करना चाहते हैं तो बच्चे कर लेते हैं, बट वही रहता है ना कि बच्चे जब अपने आगे नहीं चलने देते। तो फिलहाल अभी मेरा यहाँ पे जो है, मैं पोछे का काम जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, और अभी रह जाएगी सिर्फ बैल्कनी क्लीन करने की। तो सारे काम तो सारे ही हैं, देखो मॉर्निंग से मैं सुबह जैसे मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ, सॉरी 4 बजे तो अभी स्कूल जाएंगे बच्चे तब तो उठूँगी, हाँ 4:45 बजे उठते हैं। तो 4:45 बजे उठने के बाद फिर उसके बाद लगी जाते हैं कि घर के जैसे मॉर्निंग वॉक चले गए, उसके बाद आने के बाद घर के सारे काम निपटाना, जल्दी जल्दी से बच्चों को नाश्ता देना हो गया, कपड़े धोना हो गया। तो काम की शुरुआत आप 5 बजे से ले लो चाहे, और अगर जितना मर्जी काम है ना, काम कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसीलिए थोड़ा सा जल्दी उठकर ये लगता है कि चलो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं और काम अच्छे से हो जाता है, क्योंकि टाइम जब थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए ना, लेट उठे या मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए, तो फिर अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। तो अभी इसने देखो कितने आराम आराम से ये वाइपर मार रहा था। और जी यहाँ पे करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर जो भी कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो विजिट कर रहा है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए।